अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिधवा, आपके सामने हाज़िर एक और एपिसोड के साथ। और बहुत सारी बारिश हो रही है हमारे शहर में, विच इज़ वेरी वेरी सरप्राइजिंग एंड गुड चेंज, बट बस कम ही हो, ज़्यादा ना हो जाए, लोगों के घरों में पानी ना आ जाए। बस आज हम फ्रॉस्टेड ब्राउनीज़ बना रहे हैं। फ्रॉस्टेड ब्राउनीज़ का मतलब होता है कि ब्राउनी के ऊपर फ्रॉस्टिंग हम गनाश के साथ करेंगे, उसके ऊपर हम स्प्रिंकल्स डाल देंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ क्या क्या अज्जा हैं। 3/4 कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन है, जिसको पिघला के मैंने रख दिया है, ठीक है। फिर 1 कप पिसी हुई चीनी है, यहाँ 2 चमचे दूध है, 2 अदद अंडे हैं, वेनिला एसेंस है, और ये ब्राउन शुगर 2/4 कप है, और पिसी हुई चीनी 1 कप है, कोको पाउडर 3/4 कप है। सब कुछ मिक्स करके किसी भी डिश में, टिन में बना लीजिएगा। मेरे पास यहाँ कांच का डिश है, इसमें हम बना लेंगे, इसको हम ग्रीस कर लेंगे, और उसके बाद फिर इसमें हम बेक कर देंगे। ब्राउनीज़ निकलेंगी, ठंडी होंगी, तो ऊपर से गनाश डाल देंगे, सिंपल एज दैट, ठीक है। चलिए, चीनी, मक्खन, चीनी की मकदार हमेशा ब्राउनीज़ में बहुत ज़्यादा होती है, जिससे ब्राउनीज़ के ऊपर एक अच्छा सा क्रस्ट आ जाता है, और उसी से बहुत ही बेहतरीन से ब्राउनीज़ बनते हैं। ब्राउनीज़ बनाते वक्त इतना याद रखिएगा कि ओवर बेक नहीं कर दीजिएगा। अगर आपने उसको ज़्यादा बेक कर दिया तो केक बन जाएगा। सो ब्राउनीज़ अंडर बेक करते हैं, ठंडी होंगी तो और मज़ेदार होंगी। ब्राउनीज़ एक दिन पहले बना लिया करें। अंडे 2 अदद एक के बाद एक आपने डालना है। चीनी अच्छी तरह मक्खन के साथ मिक्स हुई हो वो देख लीजिएगा। ये 2 अदद अंडे चले गए। अब सारी दूसरी चीज़ें इसमें जाएंगी। मेरे पास ब्राउन शुगर है, ये हम डाल देते हैं। इसको भी अच्छी तरह पहले अंदर मिक्स करते हैं। ब्राउन शुगर हमेशा बहुत लाइट होती है, तो दबा के उसको कप में भरते हैं, ठीक है। फिर वेनिला एसेंस जाएगा, चॉकलेट एसेंस भी आजकल मिल रहा है मार्केट में, बहुत अच्छा, इसी कंपनी का मेरे पास है। नेक्स्ट टाइम अब चॉकलेट एसेंस इस्तेमाल करेंगे। ये मिक्स कर दीजिए अच्छी तरह, चॉकलेट का पूरा फ्लेवर उभर के निकलता है उससे। ठीक है, ब्राउन शुगर भी चली गई। अब मैदा, मैदे की मिकदार हमेशा ब्राउनीज़ में कम होती है बनिस्बत केक के। और फिर कोको पाउडर, और फिर दूध, ठीक है जी। सब कुछ चला गया, अंडे, मक्खन, चीनी, ब्राउन शुगर, दूध, वेनिला एसेंस, कोको पाउडर, मैदा। अच्छी तरह मिक्स करिए, कोई राइजिंग एजेंट इसमें नहीं है। मुझे लग रहा है मुझे थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा दूध चाहिए होगा। सो आई हैव गॉट मिल्क हियर, वो थोड़ा सा डालते हैं, जस्ट अबाउट अ टेबल स्पून, ठीक है। हो गया, डन। अब आप, हाँ, आज की नेक्स्ट रेसिपी जो है क्रीमी टस्कन फ़िश है। फ़िश एंड प्रॉन्स के साथ हम बनाएंगे, तो देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। बहुत थोड़ा सा तेल, और ब्रश की मदद से आप इस तरह साइडों पे, बेस पे लगा दीजिए, और फिर आप इसको पूरे बैटर को इसमें रखिए। फिर हम गनाश बनाते हैं। बटर क्रीम के फ्रॉस्टिंग्स भी बन सकते हैं, बना सकते हैं आप। मैंने गनाश से आज बनाया। हमारे नंबर्स चल रहे हैं, अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, क्या आपने बनाया, मेरी कोई रेसिपीज़ ट्राई की, कोई कुकिंग के हवाले से कोई क्वेश्चंस हों, तो ज़रूर हमें कॉल करके पूछिएगा, ठीक है। ये अच्छी तरह बीटर्स में से निकाल दिया करें, फिर स्पैचुला की मदद से पूरा बोल साफ़ करके भर दिया करें, क्योंकि चीज़ें फिर ज़ाया हो जाती हैं जब बोल्स में रहती हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है वो, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करें, चीज़ें एक्सपेंसिव हैं। ये देखें साइडों से अच्छी तरह अंदर लीजिएगा बिकॉज मैदा कोको पाउडर वगैरह नीचे भी साइडों पे भी रह जाता है। ठीक है, ये अच्छी तरह लीजिएगा, ये ड्राई नहीं हो, कुछ भी बैटर के अंदर ड्राइनेस नहीं आए। फिर ये देखें बाज़ वक्त बीटर्स से भी नहीं बीट होता है ना, तो नीचे से उठा के ऐसे करके मिक्स करिए। चलिए अब इसको हम इसमें रख देते हैं बेक होने के लिए। अब ज़रा स्प्रेड कर दीजिए इसको ताकि इक्वली ये बेक हो जाए। फिर आप इसके अंदर चॉकलेट चिप्स डालें, नट्स डालें, आप इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। इफ़ यू वांट प्लेन बना लीजिए, मैं अभी प्लेन बनाऊंगी और फिर हम इसके ऊपर गनाश डालेंगे। ठीक है, चलिए ब्रेक ले लें, क्लीन अप कर लें, क्या ख्याल है? हेलो, मैं ब्रेक की तरफ चलती हूँ, आप लोग देखते रहिए मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। अब ब्राउनीज चली गई हैं अवन में, अब हम चॉकलेट लेते हैं, उसमें हम क्रीम डाल देते हैं और गनाश बना लेते हैं। ठीक है जी, और फिर जैसे ही ब्राउनीज़ निकलेंगी हम उसको ठंडा करेंगे और फिर ये गनाश फ्रिज में नहीं रखिएगा, जम जाएगी बहुत जल्दी, इसको बाहर ही रूम टेम्परेचर पे छोड़ दीजिएगा, थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी खुद ही। अच्छा, मीनवाइल आप सोचेंगे मैंने यहाँ क्या करना शुरू कर दिया है, कुछ भी नहीं है जी, पानी है सिर्फ। और मैंने एक स्टॉक क्यूब डालना है, फ़िश के लिए हम स्टॉक बना रहे हैं, फ़िश की जो रेसिपी है ना उसके लिए। कॉलर हैं, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़रनक आंटी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है आज, जो आप फ्रॉस्टेड ब्राउनीज बना रही हैं मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। ओके ज़रूर, थैंक यू सो मच जी। और आपका जो डिंग डॉन्ग केक था वो मैंने ट्राई किया था, वो अच्छा, थैंक यू आपने बनाया। बिकॉज और जो आपने परसों बर्फी भी बनाई थी वो तो मैंने उसी दिन ट्राई कर ली थी, बहुत अच्छी बनी। आपने भी अंदर अदरक डाली थी? नहीं, मेरे पास वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, मैंने वो सौंठ का पाउडर डाल दिया था। हाँ ठीक है, वेरी गुड। कैसी बनी? तो प्लेन बन गई थी। कैसी बनी थी वो बर्फी? जी बहुत मजे की बनी थी, बहुत तारीफें की थी सबने। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, आपने ट्राई किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। 3/4 कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन, थोड़ा सा पिघला हुआ होना चाहिए। 2 अदद अंडे उसमें बीट करिएगा, 1 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी और 2/4 कप ब्राउन शुगर, 2 चमचे दूध डाला था, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस गया था, 3/4 कप मैदा था और 3/4 कप कोको पाउडर था। सब कुछ मिक्स करके हमने रख दिया बेक करने के लिए। 6 इंच या 7 इंच जितना टिन या डिश होना चाहिए। ठीक है, फिर 1.5 कप चॉकलेट है और 0.5 कप क्रीम है, ये इसका हम बना रहे हैं गनाश। जैसे ही ये चॉकलेट पिघल जाएगी, इसलिए चॉकलेट को हमेशा छोटे क्यूब्स में चॉप कर देते हैं, तो फिर हम साइड में रख देंगे। ब्राउनीज़ निकलेंगी अवन में से, ठंडी हो जाएंगी, तो उसके बाद आप ऊपर लगा दीजिए और ये स्प्रिंकल्स डाल दीजिए और कहानी ख़त्म। ठीक है, अच्छा अब आते हैं टू आवर नेक्स्ट रेसिपी। अब ये सूप रेडी हमारा हो गया है, इसको भी मैं यहाँ रख देती हूँ। नाउ देखें, मेरे पास मछली है, कोई सी भी मछली ले लें, मैंने सुरमई मछली ली है, कांटा चमड़ा निकाल के इस तरह के पतले फिले करा दिए हैं। उसमें थोड़े से हम झींगे भी डालेंगे और झींगों को हमेशा यहाँ से कट लगा के साफ़ करते हैं और यहाँ से भी कट लगा के साफ़ करते हैं ताकि अच्छे से साफ़ हो जाएं। फिर सिरका लगा के थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा, पानी में धो दीजिएगा 2-3 दफ़ा, कभी भी स्मेल नहीं आता है। बहुत सारे लोग सी फूड नहीं खाते हैं, ये कहते हैं कि नहीं हमें स्मेल आती है, स्मेल कोई नहीं आती। चलिए गनाश भी हमारी हो गई, ये चूल्हा बंद और इसको यहाँ छोड़ देते हैं। 1-2 पीसेस छोटे से जो होते हैं चॉकलेट के जो नहीं पिघलते हैं वो इसी की हीट में पिघल जाएंगे, ओवर हीट नहीं करिएगा। ओके चलिए थोड़ा सा तेल लेते हैं। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़रनक। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने। फरमाइए। आपका शो बहुत अच्छा होता है, बस टाइम हो जाए तो मैं टीवी लगाकर बैठ जाती हूँ, आपका शो देखती हूँ। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मज़ा आता है देख कर ना, और रेसिपी बहुत अच्छी होती है आपकी। थैंक यू, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। और एक फरमाइश है जी, मुझे ना अरबी कहवा सीखना है। अरबी कहवा क्या? क्या अरबी कहवा? कहवा, अच्छा अच्छा, ओके जी, ठीक है, बनाएंगे। ओके चलो, ठीक है, ओके जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा नमक और कुटी हुई काली मिर्चें आपने लगा दी, और आपने क्या करना है, मिक्स कर दीजिए अच्छी तरह, बिफोर कोई कहे कि ज़रनक चीज़ें मिक्स नहीं करती है। और इसमें डाल दीजिए, 2 मिनट में बस आपने इसको निकाल देना है, ठीक है। ज़रा पानी है थोड़ा सा एक्स्ट्रा। जैसे ही प्रॉन्स स्टर फ्राई हो जाएंगे हम इसको निकाल देंगे, और एक साफ बोल में या प्लेट में निकाल दीजिए। सिर्फ सियर करना है आपने, पूरा पकेगा उसमें, और प्रॉन्स को ज़्यादा पकाते नहीं हैं, प्लीज़ ये याद रखिएगा। नमक, काली मिर्चें, थोड़ा सा तेल, इसी तरह फ़िश को भी मैं करूँगी। थोड़ा सा और तेल। आप सिर्फ प्रॉन्स से बनाना चाहें सिर्फ प्रॉन्स से बनाइए, सिर्फ मछली से बनाना चाहें सिर्फ मछली से बनाइए, अगर प्रॉन्स नहीं डालना चाहें नहीं डालिए। दूसरे भी सारे अज्जा मैं आपको बताती चलती हूँ क्या क्या है, बस रंग चेंज हो जाएगा, निकाल देंगे, बिकॉज़ पकेगा ये पूरा का पूरा उसमें सॉस के साथ, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ें हटा लिया करें, कुछ एक्स्ट्रा ना रह जाए। आप इसको चावल के साथ सर्व कर सकते हैं, और मैं आज पास्ता के साथ सर्व करूंगी। फेटुचिनी बॉईल करके रख दी है हमने, थोड़ी सी सिंगल सर्विंग, ओके। हो गया ना कलर चेंज, बस टर्न कर दीजिए। दूसरी साइड का भी कलर चेंज हो जाए, निकाल दीजिए। फिर मक्खन डालेंगे इसी पैन में, प्याज है, लहसुन है, उसको भूनेंगे अच्छी तरह। इसमें जाएगा मशरूम्स, पालक है, ये मैंने कच्ची पालक नहीं है, ये मैंने गर्म पानी में डाल के निकाल दी हुई वाली पालक है। पामेज़ान चीज़ जाएगा, क्रीम जाएगा, और ये है सनड्राइड टमेटोज़, ये देखें धूप में सुखाए गए टमाटर हैं, और जो ऑयल में बोतल में आपको मिलते हैं ये, ठीक है, ये सनड्राइड टमेटोज़ हैं। बस अब मछली को निकाल दीजिए। इसमें हो सके तो कांटे चमड़े वाली मछली इस्तेमाल नहीं करिएगा। अब इसी पैन में हम मक्खन डालेंगे, और शुरू हो जाएंगे। आप लोग भी बनाइएगा, हर टाइम फ़िश फ्राइड और यही सेम रेसिपीज़ से आप लोग तंग अगर आ गए हों तो मेरी कोई अलग अलग सी भी रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा। मक्खन जब भी डालें हमेशा मेक श्योर करें जल ना जाए, और थोड़ा सा इसमें तेल होना चाहिए, ठीक है। अब प्याज और लहसुन, प्याज भूनिएगा अच्छी तरह, ब्राउन नहीं कर दीजिएगा, और फिर उसमें आप 2 से 3 जवे लहसुन के डाल दीजिएगा। कॉलर हैं जी, हेलो। हेलो जरनक, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी, आप कैसी हैं? मेरा नाम शहनाज है। मैं कह रही हूँ कि जरनक बहुत, हेलो आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, मैं कह रही थी कि तुम केक तो बहुत अच्छे अच्छे बनाती हो, लेकिन आप किसी भी तुम्हारे कोई चैनल वाला ना बर्थडे केक्स नहीं बनाता, जो कैरेक्टर्स केक होते हैं ना, जैसे एरोप्लेन हो गया, कार शेप हो गया, इस तरह के केक क्यों नहीं आप लोग दिखाते? अच्छा मेरी बात सुने, जिसके पास मोल्ड्स हैं वो वाले टिन्स शेप के हैं बर्थडे केक्स वाले, वो आप मेरी रेसिपीज़ कोई से भी चॉकलेट केक मैंने कितने बनाना सिखाए हैं, वनीला केक, पाइनएप्पल केक, उसी तरह उसी टिन में बनाइए तो वो शेप हो जाएगा। अब मसला ये है कि एक घंटे के शो में पूरा केक स्क्रैच से बना के फिर उसको उस तरह आइस करना, थोड़ा सा टाइम कम है हमारे पास ना। अच्छा। तो इसलिए मैं कैरेक्टर शेप्स और इस तरह के फॉन्डेंट केक वगैरह नहीं करती हूँ। नहीं सर, मिकी माउस का केक है, आपके चैनल पे एक लड़की आई थी शीरीन अनवर के प्रोग्राम में, हाँ उसे कटिंग करके दिखाया था किस तरह हम लोग कट कर सकते हैं। वो डेढ़ घंटे का शो है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा। और दूसरा ये कि बहुत साल पहले तुमने मार्शमैलो बनाना सिखाया था जी, और मैंने बनाया भी था, लेकिन अब उसकी रेसिपी मुझे मिल नहीं रही। ओके ठीक है, सर्दियों में बनाएंगे, सर्दियों में जमता है सही तरह। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैंने तेल गर्म किया और मैंने झींगे और मछली को नमक काली मिर्च लगा के सेयर कर दिया उसमें और निकाल दिया। फिर मैंने उसी पैन में मक्खन डाला और मैंने उसमें प्याज चॉप करके डाल दी और लहसुन डाल दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें पालक डालनी है, मशरूम्स जाएंगे, नहीं खाते हैं मशरूम्स नहीं डालिएगा, पालक ज़रूर डालिएगा। और पालक कच्ची डाल रहे हों तो अच्छी तरह डंडियाँ वगैरह उसकी काट लीजिएगा और पत्ते साफ साफ इस्तेमाल करिएगा। एक कॉलर हैं, उनसे करते हैं बात। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आपके सामने जी, फरमाइए। आपका शो बहुत अच्छा लगता है हमें, शौक से देखते हैं आपका शो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। मैंने एक फरमाइश की थी ना उस दिन। कौन सी? पिस्ता आइसक्रीम। हाँ, मगर अभी फ़ौरन आपने कल फरमाइश की और आज नहीं बन सकता है। हम लोग एक एक दो दो महीने के पूरे जो शोज़ हैं ना पहले से प्लान करते हैं। मैंने याद रखा है, बनाएंगे आइसक्रीम। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, अब हम इसमें डाल देंगे वही झींगे मछली और ये सनड्राइड टमेटोज़ उसके तेल के साथ। ठीक है, बस दैट्स इट। अब मुझे इसमें क्रीम शामिल करना है, आँच बिल्कुल कम कर दीजिएगा, क्रीम इसमें जाएगा। और हाँ, पहले मैं स्टॉक डाल दूँ, ये स्टॉक है, फिर हम इसमें क्रीम डालेंगे, ये इसी के स्टॉक में ये पक जाएगा। ठीक है, और फिर ढक्कन ढाँक देते हैं, जितनी भी इसमें कसर रह गई थी मछली के पकने में तो वो हम पका देते हैं। फिर जब एक उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसमें क्रीम, पार्मेजान चीज़, धनिया या पास्ली डालेंगे। और फेटुचिनी पास्ता ये है लंबी वाली पास्ता, इसको बॉईल करके मैंने रख दिया है, उसके साथ हम सर्व कर देंगे। चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैं लेती हूँ एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए मसाला टीवी। आप देख रहे हैं फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी। क्रीमी टस्कन फिश बिल्कुल रेडी है। क्रीम इसमें हमने डालना है, पार्मेजान चीज़ और हरा धनिया या पार्सली अगर आपके पास हो। तब तक मैं क्या करती हूँ, हर्बियन की रेसिपी बनाना शुरू कर देती हूँ। ये बर्फ़ है तो आपने ब्लेंडर में डाल देना है, थोड़ा सा दूध इसमें जाएगा और हम डाल रहे हैं इसमें थोड़ी सी चीनी और आम। मैंगोज़ को चॉप करके ये डाल दीजिए, थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए एंड हर्बियन। मैं आज यूज़ कर रही हूँ द लेमन फ्लेवर। ठीक है, आप देख सकते हैं कितने सारे फ्लेवर्स इनके हैं। लेमन है, फ्रूट पंच है, नेचुरल है, ऑरेंज फ्लेवर है, बड़े बॉटल्स हैं, छोटे भी हैं। इसके अलावा गैस्ट्रल इनकी जो हर्बियन की जो डाइजेस्टिव टैबलेट्स हैं, इमली फ्लेवर है, फिर ये है आमचूर, ओरिजिनल एंड नींबू। ठीक है, तो अगर भारीपन लगे, ज़्यादा कुछ आपने खाना खा लिया हो, कीप दिस इन योर पर्स और 2 गोलियां आप खाना खाने के बाद ले सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हम ब्लेंडर में डालेंगे और ब्लेंड कर देंगे, एक मज़ेदार सा हेल्दी ड्रिंक। कॉलर हैं जी, हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। मुझे आपसे फरमाइश करनी थी जी। ज़रूर बोलें। मुझे मीट बॉल्स बनाने सिखा दें। मीट बॉल्स मैंने चिकन के और मटन के, बीफ के बनाना सिखाएं। ज़रा देख लीजिए ना नेट पे अगर आप हैं तो मीट बॉल्स बाय ज़ारनक सिधवा देख लीजिए, उसमें आपको रेसिपीज़ मिल जाएंगी, वरना फिर आपके लिए किसी दिन बनाएंगे। सवाल नहीं रखा है हमने, मैंने बहुत मज़ेदार एक बनाई थी रेसिपी स्वीडिश मीट बॉल्स, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा, रेसिपीज़ बनाइएगा और फीडबैक दीजिएगा। सो ये हरबियन की रेसिपी हो गई। अब जो ब्राउनी है, देखें ऊपर से क्रस्ट सा फॉर्म हो गया है। जब आप इस टाइम पे इसमें डालेंगे एक स्क्वायर तो ये इस तरह का गीला बिल्कुल निकलेगा। ये देखें गीला निकला ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी ये नहीं हुई हैं, थोड़ा सा और इसको पकना है और फिर उसके बाद हमें इसको दोबारा चेक करना है स्क्वायर डाल के। अंडर बेक्ड भी नहीं निकाल दीजिएगा। ओके, ये भी हो गई हमारी रेसिपी। नाउ जब ये बिल्कुल फ़िश एंड प्रॉन्स हो जाएं तो आप इसमें क्रीम शामिल कर दीजिएगा और मिक्स कर दीजिएगा। पार्सली या हरा धनिया जो भी आपके पास हो वो आप डाल दीजिएगा। पार्मेजान चीज़ आप डाल दीजिएगा, थोड़ा सा हम ऊपर से डालेंगे। सब कुछ अच्छी तरह मिक्स कर दीजिएगा। क्रीम डालने के बाद पकाइएगा नहीं। फ़िश है एंड प्रॉन्स हैं, ठीक है। फ़िश के पीसेस हैं, ये फ़िले फ़िश है, कोई सी भी मछली यूज़ कर लीजिएगा। फ़िश फिंगर्स से भी बना सकते हैं, बड़े पीसेस अगर फ़िश के नहीं चाहिए तो। बनाइएगा रेसिपी, ट्राई करिएगा। इसमें सनड्राइड टमेटोज़ हैं, पालक है, मशरूम्स हैं, मछली है, झींगे हैं। और सॉस को अगर आपको थिक करना है तो और मज़ीद थोड़ा सा क्रीम डालिएगा, या फिर पहले आप थोड़ा सा मैदा डाल दीजिएगा प्याज और लहसुन के बाद। ठीक है, डन। अब मैं इसमें यहाँ रख देती हूँ फ़िश के ज़रा पीसेस हम निकाल देते हैं आराम से और रख देते हैं ऊपर ताकि आप लोगों को भी नज़र आए। उप्स, ठीक है। अब थोड़ा सा सॉस एंड मशरूम्स सब कुछ निकालते हैं। पास्ता ड्राई नहीं हो, पूरा सॉस इस पे डालिएगा। मैं इस तरह थोड़ा सा निकाल इसलिए रही हूँ, आई वांट कि आप लोगों को नज़र आए ना, ये पूरा फिश भी छुप नहीं जाए। और ये सनड्राइड टमेटोज़ भी हम रखें, फिर झींगे ऊपर से डालेंगे, डेकोरेट करेंगे। आप देखिएगा और बनाइएगा ज़रूर, हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। हफ्ता इतवार यहाँ तो छुट्टी है, कुछ ना कुछ ज़रूर ट्राई करिएगा और इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा। और हाँ, हफ्ता इतवार से मुझे याद आया, 12:30 बजे हफ्ता और इतवार दोनों दिन रूह अफ़ज़ा की रेसिपीज़ वाला शो चलेगा। रूह अफ़ज़ा सिर्फ आप पानी में घोल के नहीं पिएँ, कुछ ना कुछ मैंने बनाया है और बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ मैंने सिखाई हैं, तो ज़रूर देखिएगा 12:30 बजे हफ्ता इतवार। ओके, अब आप थोड़ा सा और सॉस डालिए ताकि आपका पास्ता बिल्कुल गीला ना हो। और आई थिंक देयर इज़ रूम फॉर सम मोर सनड्राइड टमेटोज़, थोड़े से मशरूम्स ताकि यहाँ ऊपर नज़र आए। और ये जो पार्मेजान चीज़ है ना, ये आप पूरा इस तरह ऊपर छिड़क दीजिए, ठीक है। जो बच जाए वो अंदर, वेस्ट नहीं करेंगे कुछ भी। चलिए, एवरीथिंग इज़ डन। कॉलर है, एक और हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए जी। आई एम अ बिग फैन। थैंक यू। अच्छा, मुझे आपसे एक पूछना था क्वेश्चन कि मेयोनीज़ जो केक में डालते हैं या ब्राउनीज में, उसमें अगर मस्टर्ड फ्लेवर हो तो वो डाली जा सकती है? ऑफ कोर्स नॉट। आपको प्लेन मेयोनीज लेनी होगी केक के लिए तो। लेकिन प्लेन अवेलेबल नहीं होती और एक सिर्फ लोकल अवेलेबल है जो इधर लाहौर में, वो फिर उसमें केमिकल्स बहुत हैं। नहीं तो घर में बनाइए। मैंने 2-3 दिन पहले, इनफैक्ट आई थिंक मंडे को ही, मैंने जो आपको मेयोनीज बनाना सिखाई थी चिकन सैलड के साथ, उसको ट्राई करिए। चले, सही है, ठीक है। मैं उसका देखती हूँ। मगर पैस्चराइज मेयोनीज होगी केक के लिए तो बेहतर रहेगी, तो दोबारा देखिएगा कहीं मिल जाए आपको अच्छी सी मेयोनीज, तो वो डालिएगा, ठीक है। सही है, थैंक यू जी। ओके वेलकम जी। ये देखें गणेश हमने बाहर ही रखा, बिल्कुल ठंडा है यहाँ एसी की वजह से, तो देखें कितना अच्छा ये सेट भी हो गया है। ठीक है, अब आप इसमें कुछ भी और नहीं डाल सकते हैं। अच्छा गणेश में अगर कोई फ्लेवरिंग डालना चाहते हैं तो पेपरमिंट एसेंस, ऑरेंज एसेंस कुछ भी डाल सकते हैं। अब ब्राउनीज़ हमारी हो गई हैं तो मैं उसको निकाल देती हूँ। ठीक है, निकाल के हम यहाँ रखते हैं थोड़ी देर, ज़रा जाली पे ठंडा तो हो, बिकॉज आई कांट पुट दैट गणेश, उसके ऊपर पूरी पिघल जाएगी। आई एम सरप्राइज लाहौर में प्लेन मेयोनीज़ नहीं मिल रही है, सिर्फ मस्टर्ड फ्लेवर की मिल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है जनाब? ट्राई करिएगा दूसरे किसी शॉप में, या फिर जो मैंने बनाना सिखाई है वैसे बना लीजिएगा। अब देखें ब्राउनी साइड से थोड़ी सी क्रैक होती है, ऊपर से एक अच्छा सा एक ग्लेज आता है, क्रस्ट फॉर्म हो जाता है। इसकी वजह यह है कि इसमें मिकदार चीनी की ज़्यादा होती है। सो अब मैंने सब कुछ कर लिया है, मैं ज़रा रिकैप कर दूँ। 3/4 कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन पिघला के आप थोड़ा सा इस्तेमाल कर लीजिएगा। उसमें 2 अदद अंडे बीट करके डालिएगा, 1 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी डालिएगा, 2/4 कप ब्राउन शुगर डालिएगा, 2 चमचे दूध डालिएगा, 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा मैंने वनीला एसेंस डाला था, और 3/4 कप मैदा, 3/4 कप कोको पाउडर। सब कुछ मिक्स करके बेक करने के लिए रख दीजिएगा 30 मिनट तक। और स्कूअर साफ़ नहीं निकले, ठीक है, साफ़ नहीं चाहिए, थोड़े से क्रम्स उस पर चिपके हुए हों, निकाल के उसको ठंडा करिएगा। फिर आप गणेश के लिए 1.5 कप चॉकलेट लीजिएगा और आप उसमें 1/2 कप क्रीम डाल दीजिएगा और उसको आप घुमा दीजिएगा ताकि ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाए, पिघल जाए, तो ठंडा करिएगा। फिर जब ब्राउनी ठंडी हो जाए उसके ऊपर लगाइएगा स्प्रिंकल्स डाल के, रेडी। अच्छा अब क्या है, ब्रेक है। ओके सो विल टेक अ ब्रेक, ब्रेक से आके मैं क्रीमी टस्कन फिश की रेसिपी को रिकैप करूँगी। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग आवर शो। वेलकम बैक। देखें फ़िश को वहाँ भी निकाल दिया है एक डिश में, यहाँ हमने पास्ता के साथ सर्व किया है, आप चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ब्राउनी ज़रा थोड़ी हमारी ठंडी हो रही है, फिर हम गणेश उसके ऊपर डालेंगे, स्प्रिंकल्स डाल देंगे। हर्बियन की जो रेसिपी थी वो भी रेडी है। क्रीमी टस्कन फ़िश का झटपट रिकैप कर दूँ। आप प्रॉन्स ले लीजिएगा, मछली ले लीजिएगा, कांटे चमड़े निकाल के फिले फ़िश होनी चाहिए, ठीक है। अच्छी तरह धोइएगा, सिरका बरका लगा के थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा, फिर साफ़ पानी में धो देंगे 2-3 दफ़ा, तो बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। उसके बाद आप थोड़ा सा तेल गरम करिएगा, उसमें आप झींगे, नमक और काली मिर्चों के साथ लगा के इसे थोड़ा स्टर फ्राई करके निकाल दीजिएगा। फिर मछली के पीसेस डालिएगा, उसको भी स्टर फ्राई करके निकाल दीजिएगा, दोनों तरफ से सिर्फ रंग चेंज हो जाए, ठीक है, पके ना। उसके बाद आपने क्या करना है, उसी पैन में मक्खन डालना है, पीला वाला मक्खन लिया था मैंने, सॉल्टेड वाला। उसमें 1 बड़ी प्याज चॉप करके, 2-3 लहसुन के जवे चॉप करके डाल के वो थोड़ा सा भून लीजिएगा। उसमें फिर हमने चिकन स्टॉक क्यूब या वेजिटेबल स्टॉक क्यूब, आपके पास क्यूब हो वो डालिएगा। सनड्राइड टमेटोज तेल में मिलते हैं, वो मैंने डाले थे, और बेबी स्पिनच छोटी छोटी पालक के पत्ते लेके उसको चॉप कर दीजिएगा, वो डाला। पार्मेजान चीज़, पार्सली या धनिया डालिएगा, और आप उसमें वो मछली झींगे डाल दीजिएगा। मशरूम्स भी मैंने डाले थे, मछली झींगे पकाने के लिए वो स्टॉक डालना है आपने, जो सूप बनाया था वो 1 दफ़ा पक जाए तो फिर आप उसमें क्रीम एंड में शामिल कर दीजिएगा, वरना क्रीम फट जाएगी। देखें बिल्कुल क्रीम इसमें फटी नहीं है, गरम गरम खोलते हुए उबलते हुए डिश में अगर आप क्रीम डाल देंगे तो वो बिल्कुल फट जाएगी, ठीक है। सो पार्सली है, पार्मेजान है, मशरूम्स हैं, पालक है, नमक काली मिर्चें हैं, क्रीम है, सनड्राइड टमेटोज़ हैं, वेजिटेबल या चिकन का स्टॉक क्यूब ले लीजिएगा, प्याज लहसुन है, मक्खन है, तेल है, और प्रॉन्स एंड फिश। अब ये जो ब्राउनी है इसके ऊपर मुझे क्या है कि थोड़ा सा मुझे इसको दोबारा हीट अप कर देना पड़ेगा, बिकॉज़ जो गणेश है ना वो बहुत जल्दी जम जाता है, स्पेशली इन एसी रूम। तो हल्का सा इसको गर्म करेंगे, ज़रा थोड़ा स्प्रेडेबल होगा तो इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे, ऊपर से स्प्रिंकल्स डाल देंगे। प्लेन ब्राउनी खानी है प्लेन खा लीजिए, करना है इसको फ्रॉस्ट तो कर दीजिए, वैसे ये फ्रॉस्टेड है। आप बटर क्रीम के साथ भी फ्रॉस्ट कर सकते हैं ब्राउनी को, मैंने इसको किया हुआ है गणेश के साथ, ठीक है। इस तरह जम जाए ना तो जस्ट फॉर अनदर मिनट और 2 आप इसको दोबारा रख दीजिए। तो आप देखें जैसे ही मैं इसके ऊपर डालूंगी ये बिल्कुल ये फ़ौरन स्प्रेड भी हो जाएगी और अच्छी चॉकलेट होगी तो जल्दी जम जाएगी, अच्छी चॉकलेट होगी तो दोबारा वो सेट भी हो जाएगी। ये देखें, देखा, पूरा लेते हैं, कुछ भी ज़ाया नहीं करते हैं। इसमें रख दीजिए, इन द पैन में से निकाल दीजिए, उसमें ज़रूर 1 चमचा लीजिए, उससे आप उसको स्प्रेड कर दीजिए, या ऑफसेट स्पैचुला लें, पैलेट नाइफ लें, जिससे भी आपको करना है, पूरा स्प्रेड कर दीजिए ब्राउनी के ऊपर। ठीक है, फिर आप इसके ऊपर स्प्रिंकल्स डालें या कुछ भी आपको जो भी पसंद हो, बच्चों को जो पसंद हो। ठीक है जी, ये हो गया। अब ऐसे करते हैं, रेसिपी रिकैप की तरफ चलते हैं। जब तक हमारी ब्राउनी के ऊपर ये गनाश सेट होती है, आप लोग हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज़ ओनली ऑन मसाला टीवी। ब्रेक से आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं अगले हफ्ते क्या बना रही हूँ, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारा शो। स्टे ट्यून्ड। क्रीमी टस्कन फ़िश, अज्जा फ़िश फिले आधा किलो, झींगे 4 से 6 अदद, जैतून का तेल 2 चाय के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, चॉप लहसुन 5 चवे, चौकोर कटी प्याज 1 अदद, वेजिटेबल स्टॉक 1/4 कप, सन ड्राइड टोमेटोज़ 5 अदद, क्रीम 1 3/4 कप, नमक और काले मिर्च हसब ज़ायक़ा, बेबी स्पिनच 2 कप, मशरूम्स 1 कप, कद्दूकश पामेज़ान चीज़ 0.5 कप, चॉप्ड पार्सले 1 खाने का चमचा। तरकीब, पहले तेल गर्म कर लें, फिर फ़िश फिले को नमक और काली मिर्च से मैरिनेट करें, उसके बाद इन्हें गर्म तेल में फ्राई करके निकालें और एक तरफ रख दें। अब झींगे नमक और काली मिर्च के साथ फ्राई करें और एक तरफ रखें। उसके बाद इसी पैन में मक्खन पिघलाकर चॉप लहसुन और चौकोर कटी प्याज फ्राई करें, फिर इसमें मशरूम्स शामिल करके फ्राई कर लें। उसके बाद सन ड्राइड टोमेटोज़ और वेजिटेबल स्टॉक डालकर फ्राई करें। अब इस मिक्सचर को धीमी आंच पर चंद मिनट पकाएं, फिर इसमें क्रीम शामिल करके मिक्स कर दें। उसके बाद बेबी स्पिनच डाल के मिक्स करें, फिर साथ ही कद्दूकश पामेज़ान चीज़ शामिल करके अच्छी तरह पका लें। अब इसमें फ़िश फिले और झींगे डालकर मिक्स करें। आखिर में चॉप्ड पार्सले छिड़क कर चावल या पास्ता के साथ सर्व करें। फ्रॉस्टेड ब्राउनीज़, ब्राउनीज़ के अज्जा, फीका मक्खन पिघला हुआ 3/4 कप, अंडे 2 अदद, पिसी चीनी 1 कप, ब्राउन शुगर 2/4 कप, दूध 2 खाने के चमचे, वनीला एसेंस 2 चाय के चमचे, कोको पाउडर 3/4 कप, मैदा 3/4 कप। गनाश बनाने के लिए चॉकलेट चॉप्ड 1.5 कप, क्रीम 0.5 कप, स्प्रिंकल्स 1 कप। तरकीब, 1 बोल में पिघला मक्खन, पिसी चीनी, ब्राउन शुगर, अंडे, दूध और वनीला एसेंस डाल के विस्क कर लें, फिर इसमें कोको पाउडर शामिल करके विस्क करें। उसके बाद थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के फोल्ड करते जाएं। अब इस बैटर को ग्रीस किए हुए पैन में शामिल करके गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 से 30 मिनट बेक कर लें। फिर ब्राउनीज़ ओवन से निकाल के ठंडा करें। गनाश बनाने के लिए क्रीम और चॉकलेट को साथ गर्म कर लें, फिर इस गनाश को ब्राउनीज़ पर डालकर ऊपर से स्प्रिंकल्स छिड़कें। आखिर में इन्हें सेट होने तक रेफ्रिजरेट कर दें। क्रीमी टस्कन फ़िश, अज्जा फ़िश फिले आधा किलो, झींगे 4 से 6 अदद, जैतून का तेल 2 चाय के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, चॉप लहसुन 5 चवे, चौकोर कटी प्याज 1 अदद, वेजिटेबल स्टॉक 1/4 कप, सन ड्राइड टोमेटोज़ 5 अदद, क्रीम 1 3/4 कप, नमक और काले मिर्च हसब ज़ायक़ा, बेबी स्पिनच 2 कप, मशरूम्स 1 कप, कद्दूकश पामेज़ान चीज़ 0.5 कप, चॉप्ड पार्सले 1 खाने का चमचा। तरकीब, पहले तेल गर्म कर लें, फिर फ़िश फिले को नमक और काली मिर्च से मैरिनेट करें। उसके बाद इन्हें गर्म तेल में फ्राई करके निकालें और एक तरफ रख दें। अब झींगे नमक और काली मिर्च के साथ फ्राई करें और एक तरफ रखें। उसके बाद इसी पैन में मक्खन पिघलाकर चॉप्ड लहसुन और चौकोर कटी प्याज फ्राई करें, फिर इसमें मशरूम्स शामिल करके फ्राई कर लें। उसके बाद सन ड्राइड टोमेटोज़ और वेजिटेबल स्टॉक डालकर फ्राई करें। अब इस मिक्सचर को धीमी आँच पर चंद मिनट पकाएँ, फिर इसमें क्रीम शामिल करके मिक्स कर दें। उसके बाद बेबी स्पिनच डाल के मिक्स करें, फिर साथ ही कद्दूकश पामेज़ान चीज़ शामिल करके अच्छी तरह पका लें। अब इसमें फ़िश फिले और झींगे डालकर मिक्स करें। आखिर में चॉप्ड पार्सले छिड़ककर चावल या पास्ता के साथ सर्व करें। फ्रॉस्टेड ब्राउनीज़, ब्राउनीज़ के अज्जा, फीका मक्खन पिघला हुआ 3/4 कप, अंडे 2 अदद, पिसी चीनी 1 कप, ब्राउन शुगर 2/4 कप, दूध 2 खाने के चमचे, वनीला एसेंस 2 चाय के चमचे, कोको पाउडर 3/4 कप, मैदा 3/4 कप। गनाश बनाने के लिए चॉकलेट चॉप 1.5 कप, क्रीम 0.5 कप, स्प्रिंकल्स 1 कप। तरकीब, 1 बोल में पिघला मक्खन, पिसी चीनी, ब्राउन शुगर, अंडे, दूध और वनीला एसेंस डाल के विस्क कर लें। फिर इसमें कोको पाउडर शामिल करके विस्क करें। उसके बाद थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के फोल्ड करते जाएं। अब इस बैटर को ग्रीस किए हुए पैन में शामिल करके गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 से 30 मिनट बेक कर लें। फिर ब्राउनीज ओवन से निकाल के ठंडा करें। गनाश बनाने के लिए क्रीम और चॉकलेट को साथ गर्म कर लें। फिर इस गनाश को ब्राउनीज पर डालकर ऊपर से स्प्रिंकल्स छिड़कें। आखिर में इन्हें सेट होने तक रेफ्रिजरेट कर दें। जी वेलकम बैक। लज्जत में 5 बजे लाइव ज़ेचुआन चिकन लिवर, बीफ फ्राइड राइस, ज़ेचुआन चिली चिकन बनेगा। और फूड डायरीज़ में अगले हफ्ते क्या क्या बन रहा है मैं आपको बताऊं। पीर को स्लाइड पे आप देखेंगे बनाना लीफ फीस्ट लिखा होगा। केले के पत्तों पे जैसे थाली कैसे सर्व करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। देखिएगा, सीखिएगा। 5 से 6 रेसिपीज़ उस दिन हैं जो बहुत मज़े की होंगी, जैसे कि थाली में सर्व होती हैं। ठीक है। और फिर हम मंगल को बना रहे हैं फ्रोज़न सैलड मोल्ड, सब्जियों के साथ, चिकन के साथ। देखिएगा, ब्राउनी और कुकी का केक बनेगा। फिर वेडनेसडे को यानी बुध को हम 4 दाल से दालचा बनाएंगे और मिल्क ब्रेड पुडिंग बनाएंगे। ठीक है। फिर मैं ज़ेचुआन राइस नूडल्स और डार्क कुकी ब्राउनी जुमेरात को बनाऊंगी। और जुमे को मैं पम्पकिन यानी लाल वाला जो कद्दू होता है उससे भुर्ता बनाना सिखाऊंगी। इसके अलावा चॉकलेट मड केक है और हर्बियन का बनाना डेट शेक है। और देखिए ये सेट हो चुका है। अब आप इस तरह इसको काट सकते हैं। ठीक है। और आराम से इसको निकाल के खा सकते हैं। मैं आपको बस ये दिखाना चाह रही थी। माय गॉड, ये देखें क्या मज़े की ये ब्राउनी बनी है। ये इसकी ब्राउनी है, बिल्कुल फजी गुई ब्राउनी है। और इसके ऊपर ये गनाश है। ये इसी तरह बनाइएगा, ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ इस तरह। ठीक है। सो यू कैन हैव अ लुक। चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। हैव अ नाइस वीकेंड। अब पीर को मुलाकात होगी। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग आवर शोज़। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला TV रेसिपीज़।